तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि कैलेंडर। कैलेंडर जो टॉपिक होता है इसको दोस्तों बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपके जो SSC का आपका एग्जाम होता है, उसके अलावा आपका रेलवे ग्रुप डी यानी कि कोई सा भी जो आपका दोस्तों एग्जाम होता है उसमें जो आपकी रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग में ये जो आपका टॉपिक होता है कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक दोस्तों बन जाता है। तो इसको बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से जो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसका जो बेसिक होता है उसको जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसमें किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जो है देखने वाले हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्लास को आप स्किप जो है बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हम जो है इसके जो आपका दोस्तों जो कैलेंडर होता है वो आप जो है इसको डेली जो है यूज में लेते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जो बनते हैं कि आपसे क्वेश्चन फिर भी जो है आपके मिस हो जाते हैं दोस्तों। तो हम आज आखिर ऐसा जो क्यों होता है, आपको किस हिसाब से जो है दोस्तों पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, सभी कुछ जो है दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका कैलेंडर होता है उसमें आपसे पूछा जाता है आपका दिन, यानी कि बताइए कि कोई भी आपको फिक्स डेट दी जाएगी और उस डेट को आपसे दिन पूछेगा कि बताइए उस दिन जो है दोस्तों कौन सा दिन है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक जो होता है दोस्तों उस पर बात कर लेता हूँ, यानी कि दोस्तों ये जो कैलेंडर होता है यानी क्या होता है दोस्तों आपका कैलेंडर, और कैलेंडर में जो बरस होती है दोस्तों जिसे यानी कि ईयर, तो ये जो बरस होती है दोस्तों वो आपकी दो टाइप की होती है, यानी एक आपको दिखेगी साधारण वर्ष और एक दिखेगी आपको लीप वर्ष। दोनों पर ही दोस्तों क्या डिफरेंस होता है मैं चर्चा कर लेता हूँ। यानी एक दोस्तों क्या होती है आपकी साधारण वर्ष, क्या होती है दोस्तों आपकी साधारण, ये जो साधारण वर्ष होती है साधारण वर्ष, उसके अलावा दूसरी जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों आपको लीप वर्ष। क्या मिलेगी दोस्तों आपको, यानी कि आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी कि इंग्लिश में कहें इसको तो आया जो आपकी लीप ईयर, और ये इसको जो आप कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी आपकी साधारण वर्ष होगी, कौन सी लीप वर्ष होगी। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन जो आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सी लीप वर्ष है इनमें, कौन सी आपकी साधारण वर्ष है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों साधारण वर्ष होती है उसमें जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो आपके 365 दिन होते हैं, लेकिन ये जो आपकी यानी 365 दिन, लेकिन ये जो आपकी साधारण वर्ष यानी कि जो लीप वर्ष होती है दोस्तों उसमें जो दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो आपके 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन इसमें एक्स्ट्रा होता है। वो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, यानी कि इसमें जो आपकी फरवरी दोस्तों होती है, फरवरी मंथ वो कितने दिन का पड़ता है, वो आपका 28 का पड़ता है, लेकिन जो आपकी लीप वर्ष होती है दोस्तों उसमें जो आपकी फरवरी होती है वो कितने दिन की पड़ती है, वो दोस्तों आपकी 29 दिन की पड़ती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ने के कारण ये जो आपका 366 दिन होते हैं इसमें 365 दिन होते हैं। अब बात आती है कि कैसे पता करें कि कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी साधारण वर्ष है। तो सपोज आपके सामने कोई सा भी है, यानी कि आपका 1991, ये जो कैसी वर्ष होगी दोस्तों वो आपकी साधारण वर्ष होगी। उसके अलावा ये जो आपकी दोस्तों 1995 यानी कि दोस्तों, या फिर आपका दोस्तों 1900, या आपका 2000 आपका 3, यहाँ पर आपका दोस्तों 2000 यानी 2009, या फिर आपका 2023, ये जो सभी वर्ष होंगे दोस्तों वो सभी वर्ष कैसी होंगे, वो आपकी साधारण वर्ष होगी, या फिर आप ये कहें कि जो लीप वर्ष होती है वो आपकी 4 साल बाद आती है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कहूँ आपका 1992, ये जो वर्ष होगी वो कैसी वर्ष होगी दोस्तों, वो आपकी साधारण वर्ष नहीं होगी, वो आपकी लीप वर्ष होगी। उसके अलावा जैसे कि आपका ये जो आपका 1996 है, तो 1996 एक साधारण वर्ष नहीं है, वो आपकी लीप वर्ष है, इसमें जो फरवरी होगी दोस्तों वो आपकी 29 दिन की होगी। अब जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों 2000, ये भी दोस्तों क्या होगी, अपने आप में एक लीप वर्ष होगी, लेकिन ये जो आपका 1900 है वो आपकी साधारण वर्ष क्यों है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका 2008, उसके अलावा दोस्तों आपका दोस्तों 2016, या फिर दोस्तों आपका आने वाला 2024, ये जो सभी वर्ष होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, वो आपके लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष जो आपको देखने के लिए आपको जो लास्ट के दो अंक होते हैं दोस्तों वो आपके 4 से यदि भाग पूरी तरह हो जाते हैं तो वो आपकी लीप वर्ष हो जाएगी, अदरवाइज वो आपकी साधारण वर्ष होगी। यानी कि जैसे वो ये जो आपका 4 है, 4 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि लास्ट के दो अंक आपको देखने होते हैं तो इसमें तो आपका 4 का भाग चला जाएगा, लास्ट की दो जीरो हैं,
लेकिन दोस्तों ये जो आपकी एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष होती है दोस्तों जैसे कि 1900, तो इसमें जो आपको क्या करना होगा, चार चार का भाग नहीं देना होगा दोस्तों, इसमें आपका 400 का भाग देना होगा। तो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसे एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो आपका एक साल में जो आपकी वर्ष होती हैं, एक साल में कितनी जो आपके लीप वर्ष होती हैं दोस्तों, कितनी जो आपकी साधारण वर्ष होती हैं, जैसे कि आपका 100 साल में, तो 100 जो होता है दोस्तों, 100 आपका जो 99 तक ही आपको काउंट करना होगा। यदि आप इसमें जो 100 होता है 100 को काउंट करेंगे तो इसमें आपका 4 का नहीं 400 का भाग देना होगा। जब 400 का भाग इसमें दोगे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए 100 जो होती है दोस्तों वो आपकी एक लीप वर्ष नहीं होती है, वो आपकी साधारण वर्ष होती है। तो अब जैसे कि आपका इसमें 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आपका 24 आएगा। कितना आएगा आपका 24। तो जो 100 वर्ष होती हैं, यानी कि दोस्तों कितनी आपका 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में जो दोस्तों आपकी 24 होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी लीप वर्ष होती हैं, लीप वर्ष। बाकी जो बचती हैं दोस्तों 76, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी साधारण वर्ष होती हैं। तो ये जो कुछ बेसिक था जो कि आपको पता होगा, जैसे कि आपसे पूछ ले कि बताइए कि 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, तो दोस्तों कितनी होंगी, 48 होंगी। आपसे पूछ ले 300 साल में कितनी होंगी, तो दोस्तों इसमें आपको 24 और ऐड कर देना है, तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये आपकी 72। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 400 वर्षों में कितनी होंगी, तो दोस्तों ये जो आपके 400 में आपका 48 चौके तो आपको करना ही होगा, उसके अलावा ये जो 400 है वो भी अपने आप में एक लीप वर्ष है। तो ये जो आपका यानी कि दोस्तों इसमें जो कितनी टोटल हो जाएंगी, वो आपके 97 हो जाएंगी। कितनी दोस्तों आपका 400 वर्ष में जो आपकी लीप वर्ष होंगी, वो आपके 97 जो है आपकी दोस्तों लीप वर्ष होंगी। तो कभी कभी डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कब जो है कितनी साल में कितनी लीप वर्ष होंगी। तो ये जो कुछ बेसिक था दोस्तों वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इनमें कुछ कॉमन चीज़ भी दोस्तों चलती है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको बता देता हूँ कॉमन जो होता है वो आपका क्या चलता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों आपका कोई भी साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन अंत होती है। जैसे कि दोस्तों आपका 1 जनवरी 2023 को यदि मंगलवार था, तो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को भी मंगलवार होगा, यानी जिस दिन शुरुआत होती है उसी दिन अंत होती है। लेकिन लीप वर्ष में जिस दिन शुरुआत होती है उसके एक दिन बाद अंत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष दोस्तों आपका साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है उसी दिन अंत होती है। अब जो है दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से जो है दोस्तों समझाता हूँ। सपोज करो आपका दोस्तों कि 1 जनवरी दोस्तों आपका 2023 को क्या है दोस्तों, आपका सोमवार है, कोई सा भी दिन जो है दोस्तों हो सकता है। अब जो आपसे क्या पूछ ले, बताइए कि दोस्तों ये जो आपका 31 दिसंबर, क्या पूछ ले 31 दिसंबर 2023 को क्या बार होगा, तो दोस्तों उस दिन आपका सोमवार ही होगा। क्या बार होगा आपका, सोमवार ही होगा। अब बात आती है आपकी लीप वर्ष की, जैसे कि दोस्तों ये जो आपका लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष जिस दिन लीप वर्ष दोस्तों आपके जिस दिन प्रारंभ होती है, उसके एक दिन बाद अंत होती है। जैसे सपोज करो दोस्तों आपका कि 1 जनवरी 2024 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो आपका 1 जनवरी 2024 को क्या है आपका, सोमवार, चलो मान लेते हैं आपका सोमवार होगा। तो दोस्तों आपका 31 दिसंबर 2024 ये जो दिन है, तो दोस्तों इस दिन सोमवार नहीं होगा, वो आपका मंगलवार होगा। क्या वार होगा दोस्तों आपका, मंगलवार। तो ये जो आपका कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, रट्टा मार लेने हैं। कभी कभी ये जो आपका ऊपर से ही क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं और आपको ना पता होने के कारण दोस्तों आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये जो आपका बरस से रिलेटेड जो दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बिल्कुल जो है दोस्तों समझा दिया। अब जो है दोस्तों ये जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपका क्या दोस्तों करता हूँ आपका महीना
तो महीना भी दोस्तों आपको पता हुआ कितने होते हैं दोस्तों, आपका 12 होते हैं, जिनमें दोस्तों आपका कुछ महीने 28 दिन के होते हैं, यानी 28 के, या फिर दोस्तों आपका 29 के, उसके अलावा कुछ महीने आपका 30 दिन के होते हैं, तो कुछ महीने दोस्तों आपका 31 दिन के होते हैं। ये फंडा भी आपको क्लियर जो है दोस्तों होना चाहिए। इसके लिए आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत ना आए इसके लिए बहुत ही शानदार सी जो है दोस्तों आपका ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों कि जून नवंबर जानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक है, एक बार यदि आपने देख ली तो आप ज़िंदगी में कभी जो है दोस्तों नहीं भूलोगे। यानी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर दोस्तों 30, उसके अलावा आपका आता है दोस्तों फरवरी 28 या फिर 29 मानिए, बाकी दोस्तों आपके बाकी सब 31। तो इससे एक बात तो दोस्तों आपकी क्लियर हो गई कि आपका जून नवंबर और अप्रैल और सितंबर, ये जो दोस्तों आपका 4 महीने होते हैं, यानी 4 महीने कितने दिन के होते हैं, वो आपके 30 दिन के होते हैं। उसके अलावा फरवरी जो है डिफेंड करेगा, वो करेगा आपका लीप वर्ष है या फिर आपकी साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो दोस्तों 24 आपके 29 दिन की होगी, अगर साधारण वर्ष है तो आपकी 28 की होगी, यानी कि एक महीना जो है या तो 28 का होगा या फिर आपका 29 का। उसके अलावा बाकी जो महीने बचते हैं 7, वो दोस्तों आपके 31 दिन के होते हैं। तो इस ट्रिक से आप बिल्कुल जो है महीने को जो है दोस्तों याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको कोई भी एक डेटा जो है दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आप बताइए, यानी कि दोस्तों आपका क्या पूछ लेगा आपका 10 जनवरी 2023 क्या बार है दोस्तों आपका, चलिए मंगलवार ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं आपका मंगलवार। एक तो ऐसे दिन होंगे, अब जो आपसे पूछ लेगा क्या पूछ लेगा बताइए कि 28 जनवरी उसी महीने में आपसे पूछ ले इस दिन जो है दोस्तों क्या वार होगा, यानी कि आपका 2023 को। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर उसके बाद जो है दोस्तों कोई भी आपको डेटा दे देगा, जैसे कि दे देगा बताइए कि आपका 26 जनवरी 2030 को क्या वार होगा, यानी कि दोस्तों आपको डायरेक्ट कोई भी एक फिक्स डेट देकर कोई सा भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, तो वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन इस प्रकार का जो ऊपर में दिख रहा है वो क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता हुआ कि जनवरी जो होता है कितने दिन का होता है आपका दोस्तों 31 दिन का, 31 में से 10 जा चुके हैं तो कितना बचा दोस्तों आपका 21 प्लस में आपका, उसके अलावा 21 कितना बचा दोस्तों, यानी कि आपका 21 जो आपका जा चुका है, लेकिन ये तो जनवरी में ही दोस्तों पूछा है, तो आपका 28 और 10 का अंतर जो करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 18 आएगा। 18 को आपको डिवाइड कितने से करना होगा, वो आपका 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 से ही जो है दोस्तों क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए करते हैं दोस्तों कि आपके जो दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है, यानी कि सोम, उसके अलावा आपका मंगल, उसके अलावा दोस्तों आपका बुध, गुरुवार, उसके अलावा आपका शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों आपका रविवार। ये जो आपका दिन जो दोस्तों होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपका 7 होते हैं, और हर 7 दिन बाद वही दिन बाद में जो रिपीट होकर के आता है, यानी 7 दिन बाद दोस्तों दिन जो है रिपीट होकर के आ जाता है, तो इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। अब जो है दोस्तों ये जो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, जो आपका विषम दिन बचेगा जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका ऑड डे, ये जो आपको ने बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों सुना होगा विषम दिन क्या होता है आपका विषम दिन, तो ये जो आपका 4 बचा है, यानी कि 7 × 2 = 14 बचेगा 4, तो आपको जो मंगलवार दिया गया है दोस्तों इससे आपको 4 दिन आगे चला जाना है, आपका क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा, यानी सोमवार से आपका मंगलवार से, यानी कि आपका बुधवार, उसके अलावा आपका गुरुवार, उसके अलावा दोस्तों आपका शुक्रवार और आपका शनिवार, तो इससे आप 4 दिन आगे जाएंगे तो दोस्तों ये जो वार आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 28 जनवरी 2023 को जो वार होगा वो आपका शनिवार होगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए इसी महीने में ना होकर अगले महीने में दे दिया जाए फिर आपका क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपसे दे दे दोस्तों आपका 12 मार्च 2023 को आपका क्या है दोस्तों आपका सपोज करो बुधवार। अब जो है दोस्तों क्या दे दे आपको बताइए कि आपका 10 जुलाई, यानी कि दोस्तों आपका 10 जुलाई 2023 को बताइए क्या होगा,
इस दिन जो आपको जो है फाइंड करना है दोस्तों कि बताइए क्या वार होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो मार्च महीना होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 का। 31 में से जो है दोस्तों आपका 12 जा चुका है, तो कितना जो है दोस्तों बचेगा, वो आपका बचेगा यहाँ पर दोस्तों आपका 19। कितना बचेगा, 19 प्लस में फरवरी के बाद जो है दोस्तों क्या आएगा आपका, यानी मार्च के बाद आपका अप्रैल आएगा। अप्रैल जो है दोस्तों 30 का आएगा, लेकिन इससे आप करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ी बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन ना बढ़े दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर कोई भी महीना दोस्तों आपका 28 का आता है, तो इसको आप 7 से पहले ही डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा आपका 0। तो जो महीना 28 का होगा आप उसका 0 यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन हल्की होगी, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अब जो महीना दोस्तों आपका 29 का पड़ता है तो उसका जो आपका एक शेषफल बचेगा। जो महीना आपका 30 का आता है तो उसका आपका कितना शेषफल बचेगा, 2। और जो महीना 31 का आता है उसको 7 से डिवाइड करें तो उसका शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, वो आपका 3। तो जो महीना 28 का है उसका 0, जो 29 का है उसका 1, जो 30 का है उसका 2, जो 31 का है उसका 3। तो आप जो है इस प्रकार से करना होगा। तो आपका मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल जो दोस्तों आपका 30 दिन का होता है, तो इसका आप 2 यूज कर लो, यानी इससे जो कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। मार्च अप्रैल के बाद आएगा आपका दोस्तों मई, मई जो महीना होता है 31 का तो 3, जून आता है 30 का तो आपका 2, और जुलाई दोस्तों जुलाई की आपकी डेट जो होती है वो आपको डायरेक्ट पहले ही दी गई है, तो आपका 1902 दोस्तों आपका 21, 2104 आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24, 2426 और दोस्तों आपका 10 कितना हो जाएगा, 36। कितना हो गया दोस्तों आपका 36। इसको आप जो डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 से, 7 × 35 शेषफल जो बचेगा, जो विषम दिन बचेगा वो कितना बचा है दोस्तों, वो आपका 1। अब जो बुधवार से एक दिन क्या होता है दोस्तों, आपका गुरुवार होता है, क्या होता है आपका गुरुवार, तो इस दिन जो वार होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो आपका गुरुवार होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको डायरेक्ट डे निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों आपको डायरेक्ट दिन, कोई भी जैसे सपोज करो आपके सामने किसी भी प्रकार की, बताइए कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था, बताइए कि आपका 26 जनवरी 1947 को क्या वार था, उसके अलावा 15 अगस्त 2000 आपका 25 को क्या वार होगा, कोई सा भी दोस्तों आपको डेट जो है दी गई हो आप उसका जो है कैसे जो है दिन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपका जो महीना होता है यानी कि जो ट्रिक उसका काम करती है वो क्या करती है दोस्तों, आपका डे प्लस आपका दोस्तों मंथ, उसके अलावा दोस्तों आपका ईयर प्लस आपका जो लीप ईयर होता है यानी कि लीप ईयर प्लस आपका सेंचुरी ईयर, उसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों कितने से, 7 से। तो आपका दिन जो होता है दोस्तों वो निकल करके आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो 12 महीने होते हैं उनका जो दोस्तों थोड़ा कोड होता है वो आपको याद होना चाहिए, और जो सेंचुरी कोड होता है वो आपका याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो है दोस्तों चुटकियों में बनने लगेंगे, कैसे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो सभी कोड जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी ये जो दोस्तों आपके महीने होते हैं उनके होते हैं। उसके अलावा ये जो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपके जो दिन होते हैं आपको रविवार से काउंटिंग करनी है, यदि शेषफल 1 बचता है तो रविवार होगा, यदि शेषफल 0 बचता है तो आपका शनिवार होगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो साल होती हैं यानी कि ईयर, तो उनमें दोस्तों आपका जो 17 यानी 17 से लेकर जो आपका कोई भी डेट है तो वो कितना होगा दोस्तों, वो आपका 4 होगा। अगर 2000 सपोज करो 2022 है, 2028 है, तो दोस्तों आपको कितना यूज करना होगा, 6। तो ये जो आपको यहाँ पर जो पता चलेगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर कोई भी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपका कितना है, आपका बताइए कि 25, यानी कि दोस्तों आपका 25 जनवरी, कोई सा भी दोस्तों आपका 25 जनवरी 2023 को जो है दोस्तों बताइए कि इस दिन जो है क्या दिन होगा, क्या वार था इस दिन। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका लीप वर्ष है या फिर आपका साधारण वर्ष, यदि ये लीप वर्ष है तो दोस्तों इसमें आपका सिर्फ 2 महीने जो होते हैं उनमें चेंजिंग हो जाती है, यानी जनवरी का कोड आपको 0 यूज करना होता है और जो फरवरी का कोड होता है वो आपको 3 यूज करना होता है, बाकी सभी महीने दोस्तों होते हैं वो आपके बराबर होते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आपको ये जो दोस्तों ध्यान रखना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको कितना लिखना है आपका 25 को आप पहले ही 7 से डिवाइड कर दोगे तो यानी 7 × 21 तो इसका आप 4 ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपका जनवरी, लीप वर्ष है यानी कि आपके साधारण वर्ष है तो आपको 1 लिखना होगा। अब आता है दोस्तों आपका ईयर, तो आपको कितना लेना होगा दोस्तों आपका 23 प्लस में आपका जो होता है लीप वर्ष, यानी जो आपका 23 है, 23 में जो लीप वर्ष होंगी तो आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं 5 होंगी, कितनी होंगी लीप वर्ष आपकी दोस्तों आपके 5। अब जो है दोस्तों कितना है आपका साल 2023 है,
तो 2000 से ऊपर आप किस कितना यूज करेंगे, वो आपका 6, तो प्लस 6, इसको 7 से डिवाइड कर दो दोस्तों, आपका डेट जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा, यानी कि 4 और 1 दोस्तों आपका 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, और 16 और दोस्तों इनको आप करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा 12, और आपका कितना आएगा दोस्तों आपका 42, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9, 3 और 3 यानी कि 39, और 39 को दोस्तों आप कितने से डिवाइड करेंगे आपका 7 से। जब आप दोस्तों ये जो 39 है यानी कि दोस्तों आपका यानी 5 और 5 10 और 6 16, 16 और आपका 23 करें 39, 7 × 35 कितना बचेगा शेषफल दोस्तों आपका 4। यदि शेषफल 4 बचता है दोस्तों तो आपका क्या बार होगा दोस्तों, आपका बुधवार होगा, यानी इस दिन जो बार होगा दोस्तों वो क्या बार होगा, वो दोस्तों इस दिन आपका बुधवार होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कोई भी दिन जो होता है वो डायरेक्ट डेट निकाल सकते हैं। और भी जो आपको मैं यहाँ पर निकाल करके जो है दोस्तों बता देता हूँ, यानी कि और भी कोई भी सा भी जो है दोस्तों दिन हो, जैसे कि मैंने फॉर्मूला क्या था हमारा दोस्तों, वो आपका दिन प्लस आपका महीना प्लस आपका वर्ष, आपका लीप वर्ष, उसके अलावा आपका शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, इसको आपको कितने से डिवाइड करना होता था आपको 7 से। जैसे सपोज करो आपके सामने कोई सा भी जो है दोस्तों, जैसे कि आपका साल है क्या है दोस्तों, आपका बताइए कि आपका दोस्तों यानी कि आपका 5 जून 2012 को क्या वार था, ये जो सपोज करो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 5 जून 2012 को दोस्तों क्या दिन था, तो इसका हमको दिन निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका दिन प्लस आपको देखना है जून का कोड जो होगा दोस्तों, ये जो आपका कैसी वर्ष है वो आपकी लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जो जून का कोड होता है वो आपका 5 होता है, यानी साधारण वर्ष में भी 5, लीप वर्ष में भी 5, तो आपका प्लस 5 करना है यानी जून। उसके अलावा ये जो आपका कितना है दोस्तों 12, 12 में आप लीप वर्ष देखें तो कितनी आएगी दोस्तों 3, प्लस आपका 2000 से ऊपर है यानी कि इसका कोड लेंगे आपका 6, इसको आपको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है क्या दिन निकल करके आएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5, 5, 10, 10 और 12, 22 और 3 दोस्तों 25 और 6, 31 कितना आएगा, 31 को डिवाइड करें तो 7 × 4, 28, शेषफल निकल करके आएगा जो विषम दिन होता है वो निकल करके आएगा दोस्तों कितना 3, तो 3 है, तो इस दिन जो बार होगा वो क्या बार होगा, वो आपका मंगलवार होगा। इसका जो कोड भी मैंने इस तरफ जो है दोस्तों लिख दिया है, यानी कि आपका मंगलवार, तो आपका दोस्तों 5 जून 2012 को जो बार था वो क्या था दोस्तों, आपका मंगलवार। सपोज करो यहाँ पर दोस्तों दे दे आपका क्या दे दे दोस्तों आपका कि 5 यानी कि दोस्तों आपका दे दे आपका 15 नवंबर 2030, इस प्रकार से जो है दोस्तों दे दे 2030। अब जो आप बताइए कि ये जो आपकी वर्ष होगी दोस्तों, ये जो आपका सबसे पहले तो साधारण वर्ष है, यानी इस दिन को आपका क्या वार होगा, ये जो दोस्तों आपका क्या वार होगा, ये सपोज करो आपका क्वेश्चन है, तो इसका आपको सेम वही जो तरीका फॉलो करना है, यानी कि 15 का दोस्तों आपका 15, नवंबर महीना है तो नवंबर का कोड होता है आपका दोस्तों 4, प्लस में आपका 2030 है तो 30 लिखना होगा, प्लस में आपको करना होगा क्या, इसको आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 × 28 यानी इसमें जो आपका लीप वर्ष होंगे दोस्तों वो कितनी होंगी, वो आपकी 7 होंगी, प्लस 2000 से ऊपर है तो आपका 6, इसको आपको 7 से डिवाइड, यानी कि आप दोस्तों कैलकुलेशन हल्का करना है तो आप इनसे आपको 7 × 14 यानी 1, यानी 7 × 28 तो कितना आपका 2, अब 7 से 7 गया, अब जो दोस्तों कितना बचा 1 और 2, आप 2 आपका 3 और 4 7, 7 और 6 दोस्तों बचा 13, 13 को आप इसको डिवाइड करें तो 7 × 7 कितना बचेगा दोस्तों 6, यदि 6 बचेगा तो इस दिन जो वार होगा, इस दिन जो वार निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा दोस्तों, वो आपका शुक्रवार निकल करके आएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि कैलेंडर में पूछे जाते हैं, अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको डायरेक्ट जो है दे दे क्या दे दे कि आपको यहाँ पर जो है दोस्तों दे दे कि बताइए कि 1 जनवरी 2028 क्या दे दे दोस्तों आपको 1 जनवरी 2028 को आपका दे दे यहाँ पर दोस्तों आपका बुधवार है, बुधवार 1 जनवरी आप यानी 1 जनवरी 2028 को क्या है दोस्तों आपका बुधवार है, तो आपको जो है यहाँ पर दे दे दोस्तों क्या दे दे आपका 31 दिसंबर 2028 को क्या वार होगा,
क्या बार होगा, इस प्रकार से जो है दोस्तों दे दे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जब मैंने आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझाई थी उस टाइम मैंने इनका क्वेश्चन का डिस्कस किया था। कैसे किया था कि यदि साधारण वर्ष है तो वो जिस दिन प्रारंभ होगी उसी दिन अंत होगी, यदि लीप वर्ष है वो तो वो जिस दिन प्रारंभ होगी उसके एक दिन बाद जो है दोस्तों अंत होगी। यानी कि आपका यहाँ पर बुधवार है तो आपका ये जो आपका एक दिन बाद यानी कि बुध यानी कि आपका दोस्तों गुरुवार, तो गुरुवार को ये जो आपका क्या होगी दोस्तों आपका अंत होगी। तो आपका 31 दिसंबर 2028 को जो वार होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, वो आपका बुधवार होगा। सपोज करो इसी क्वेश्चन को दोस्तों आपका इसी क्वेश्चन को थोड़ा जो है दोस्तों उलट फेर जो कर दिया जाए, यानी कि अब जो आपको क्या पूछ ले 1 जनवरी 2029 को क्या वार होगा, क्या वार, ये जो है दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्या वार होगा। तो यदि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो दे सकते हैं, अदरवाइज जो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत कर देंगे। यानी दोस्तों 1 जनवरी 2028 को क्या है वो आपका दोस्तों बुधवार है। तो एक बात तो क्लियर है कि 31 दिसंबर 2028 को जो वार होगा दोस्तों वो क्या वार होगा, मंगलवार, जो कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही आपको दोस्तों बताया है क्या होगा, मंगलवार। तो जब 31 दिसंबर 2028 को मंगलवार है तो इसके एक दिन बाद यानी 1 जनवरी 2028 को इससे एक दिन आगे जाना है, यानी कि दोस्तों आपका सब ये जो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या बताया था आपका मंगलवार बुधवार यानी कि दोस्तों आपका गुरुवार, यानी कि दोस्तों मैंने क्या बताया था कि इसके एक दिन बाद जो आपका अंत होती है यानी कि गुरुवार। तो दोस्तों आपका गुरुवार तक गुरुवार से एक दिन आगे आप जाओगे तो क्या वार होगा, वो आपका शुक्रवार होगा। तो दोस्तों 1 जनवरी 2028 को जो बार होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका शुक्रवार होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके कैलेंडर में पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको दे दे क्या दे दे कि बताइए कि एक वर्ष में दोस्तों आपका 31 तारीख कितने बार आएगी, कितने बार आएगी। जैसे कि ये जो आपका दोस्तों कॉमन जो है क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हटा लेता है, तो आपको जो है सपोज ऐसे जो पूछे कि बताइए एक वर्ष में जो 31 तारीख होती है तो वो कितने बार आएगी। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो महीने होते हैं वो कितने, यानी कि दोस्तों महीने तो आपका कितने होते हैं, वो आपके 12 होते हैं, कोई महीना दोस्तों आपका 28 का होता है या फिर आपका 29 का, कोई महीना आपका 30 का होता है, तो कोई महीना दोस्तों आपका 31 का होता है। तो मैंने आपको बताई थी कि एक महीना ऐसा होगा वो या तो 28 का होगा या फिर आपका 29 का होगा। उसके अलावा 4 महीने जो होंगे वो आपके ऐसे होंगे जो कि 30 दिन के होंगे। उसके अलावा जो 7 महीने होंगे, 7 महीने जो होंगे वो आपके 31 दिन के होंगे। तो एक वर्ष में जो 31 तारीख है, एक वर्ष में जो दोस्तों 31 तारीख है वो कितने बार आएगी दोस्तों, वो आपकी 7 बार आएगी। कितने बार आएगी, वो आपकी 7 बार आएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि आपका डायरेक्ट एग्जामिनर जो है दोस्तों हटा लेता है। सपोज करो यहाँ पर जो आपको क्या पूछ ले बताइए कि एक वर्ष में 30 तारीख कितने बार आएगी, कितने बार आएगी, ऐसे जो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आपको जो दोस्तों कौन सा महीना जो है दोस्तों कितने दिन का होता है आपको पता होना ही चाहिए, यानी कि 12 महीने में एक महीना दोस्तों या तो 28 का हुआ है या फिर आपका 29 का, लेकिन एक महीना होगा। उसके अलावा जो 11 महीने होंगे वो दोस्तों या तो 30 के होंगे या फिर 31 के होंगे। क्वेश्चन में आपको जो 30 दिन पूछा है तो आपको जो 31 दिन के जो महीने होंगे वो भी काउंट करने हैं, जो महीने 30 दिन के होंगे आपको वो भी काउंट करने हैं। यानी कि दोस्तों 11 महीने जो होंगे दोस्तों उनमें आपकी 30 तारीख आएगी ही आएगी, यानी कि आपका 30 तारीख 31 तो आएगी ही आएगी लेकिन उससे पहले 30 भी आएगी। तो दोस्तों आपका एक वर्ष में 11 बार कितने बार दोस्तों आपका 11 बार ये जो आपका 30 तारीख पड़ेगी, 11 बार जो है दोस्तों 30 तारीख आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि सभी जो ये जो आपका कैलेंडर के कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन जो आप पूछे जाते हैं तो वो सभी आपके दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। तो अगर एक क्लास थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस क्लास को लाइक और मेरा यूट्यूब चैनल क्लास अगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी और शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।